Hello, what's up guys? My name is Vinod Thapa and today in this video we will see how to create login form in our React application. जी हाँ गाइस, तो कल की वीडियो में हमने देख लिया था कि हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको फर्स्ट तरीका बताया यूजिंग कंप्लीट यूज स्टेट फॉर ईच इनपुट फील्ड्स। देन कल क्या वीडियो था जो कि एकदम औसम, जहाँ मैंने बताया इतने सारे मल्टीपल इनपुट फील्ड्स होते हैं तो उसको आप कैसे टैकल कर सकते हो। एंड देन गाइस लेटर आई थॉट क्यों ना मैं लॉगिन फॉर्म भी बनाऊँ एंड कल की वीडियो में एज अ चैलेंज में आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म भी बताऊंगा क्योंकि ये होना जरूरी है एंड आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस पता चल जाएगा। ठीक है, सो गाइस बिना किसी देरी का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तक प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, मजा आ जाएगा। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने VS Code एडिटर पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ बहुत क्लियरली, वी हैव आवर यूज स्टेट हुक जिसमें आप देखोगे मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट की जिसका नाम एक न्यू फाइल क्रिएट की है जिसका नाम है loginform.jsx। ठीक है, तो इस पर मैं चलता हूँ एंड इसको मैंने ऑलरेडी एक काम करता हूँ, लॉगिन फॉर्म को मैं कॉपी कर रहा हूँ, उसका नाम यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, कंट्रोल स्पेस एंटर एंड या दिस इज इट। तो ये मेरा हो गया है, कंट्रोल या सेव कर रहा हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कि आपका ये जो लॉगिन फॉर्म है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो अब ये जो लॉगिन फॉर्म है इसका डेटा को मैं कैसे गेट कर सकता हूँ। देखिए, तो अब आपके माइंड में ये चीज़ जरूर आ सकता है कि अब मैं फर्स्ट तरीका अपनाऊँ या सेकंड तरीका। तो देखिए गाइस अगर बात आती है सिर्फ दो ही डेटा की तो कुछ भी आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं आपको दोनों ही करके बताता हूँ। देखिए बहुत ईजी है। तो क्या करना है, सबसे पहले लाइक वी हैव दिस वन इनपुट फील्ड एंड देन वी हैव अनदर इनपुट फील्ड। तो बहुत ईजी है। एंड हाँ एक और चीज़, मैं इसको स्टार्ट करूँ उससे पहले आप वीडियो को अभी कीजिए पॉज एंड आप खुद ट्राई कीजिए कि इसका जो डेटा आप स्टेट में कैसे स्टोर कर सकते हो एंड बैकएंड को कैसे फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप बहुत ईजिली कर लोगे, मुझे मालूम भी है। तो देख लीजिएगा इस, तो मैं एक काम करता हूँ, कॉन्स्ट वी हैव अ यूजर नेम राइट, तो इट्स अ यूजर नेम कॉमा सेट वी हैव अ यूजर नेम विल बी इक्वल टू आवर यूज स्टेट। ठीक है या परफेक्ट। एंड फिलहाल इसको मैं एम्प्टी रख दे रहा हूँ यहाँ पे एंड मुझे ये लगने वाला है ऊपर, है ना, वरना एरर आ जाएगा। सो इम्पोर्ट मैं यहाँ पे चलता हूँ, वी नीड टू यूज़ द यूज स्टेट हुक फ्रॉम आवर रिएक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, ऑलराइट परफेक्ट। अब एक और मुझे लगेगा, मैं एक और ले रहा हूँ, कॉन्स्ट वी हैव अ पासवर्ड एंड देन वी नीड टू गो विथ सेट पासवर्ड एंड हियर वी नीड टू हैव नॉट यूजर नेम बट यूज स्टेट एंड अगेन इसको मैं एक एम्प्टी एरे रख दे रहा हूँ, एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। अब ये जो यूज़र नेम है मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे लगेगा बिकॉज वी आर मेकिंग इट कंट्रोल्ड कंपोनेंट एंड ऑलरेडी कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। सो वैल्यू एंड देन वी हैव दिस यूज़र नेम एंड मुझे ऑब्वियसली वार्निंग आने वाला है एंड मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि हम ऑलरेडी इसको बहुत डेप्थ में पहले ही देख चुके। तो अभी तक मैंने आपको ये तरीका नहीं बताया बट आज इस लॉगिन फॉर्म में मैं आपको ये तरीका बताने जा रहा हूँ। याद है जब हमने फर्स्ट टाइम कहा था द हार्ड वे इस तरीके से बिल्कुल मत कीजिएगा, तब मैंने ऑन चेंज को एक अलग तरीके से आपको किया था, हमने स्विच स्टेटमेंट यूज़ की थी। बट आज देखिए मैं आपको जादू बताता हूँ कि कैसे आप इसको कर सकते हो। फैट एरो फंक्शन यहाँ पे कीजिए, वी हैव इवेंट, बहुत ईजी, डायरेक्टली यहीं पर ही सेट यूज़र नेम, है ना, यहाँ पे ई डॉट वी हैव दिस टारगेट डॉट वैल्यू, खत्म। लाइक वो स्विच केस लिखने की नीड ही नहीं थी, वो मैंने बस आपको दिखाया, बहुत सारे लोग वैसे कर सकते बट आप बहुत ईजिली ऐसे कर लो, कॉपी यार पेस्ट, इंस्टेड ऑफ यूजर नेम लेट्स गो विथ योर पासवर्ड एंड इंस्टेड ऑफ सेट यूजर लेट्स गो विथ योर सेट पासवर्ड, खत्म हो गया। आई मीन लाइक विद इन अ फ्यू मिनट्स लाइक मेरा ये काम हो गया, खत्म। एंड मुझे लगता है कि इस तरीके से आप बहुत ईजिली इसको टैकल कर सकते हो। एंड अब जस्ट ये है कि जब भी कोई फॉर्म को करेगा सबमिट तो डेटा आपको चाहिए। ठीक है, सो हेयर वी हैव अ फॉर्म, जब भी कोई इस फॉर्म को करेगा ऑन, एक काम करता हूँ, ये करने से पहले right click inspect, we have our components, here we have a login form, थोड़ा सा जूम कर दूंगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विनोद थापा, पासवर्ड में लिख देता हूँ थापा एंड बूम गाइस सी, ये देख लीजिए मेरा हुक्स बन के रेडी है, मेरे दोनों के दोनों स्टेट के डेटा मुझे मिल गए, यूँ चुटकी में मेरा लॉगिन फॉर्म रेडी, मेरा लॉगिन फॉर्म रेडी। एंड कैसा लगा आपको कि हार्डवेयर जो मैंने आपको बताया था आप डायरेक्टली ऑन चेंज यहीं पर ही कर सकते हो, एल्स आप एक फंक्शन यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ता एंड वो गाइस यहाँ पे आपको फिर सेट करना पड़ता है यूजिंग स्विच केस। तो मैंने कितनी ईजिली आपको ये तरीका बताया, तो ये गाइस था ना कितना ज़्यादा सिंपल राइट। तो जल्दी से आप एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे जो आपका ऑन सबमिट होगा, जब भी कोई इस फॉर्म को करेगा सबमिट, एक फंक्शन कॉल कर देते हैं, हैंडल आपको देना जरूरी है, फॉर्म एंड देन सबमिट। ठीक है, हैंडल फॉर्म सबमिट, कॉपी, यहाँ पे हम चलते हैं, लेट्स गो विथ कॉन्स्ट हैंडल फॉर्म सबमिट फैट एरो फंक्शन, लेट्स हैव वन इवेंट क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म आपका गाइस सबमिट कर देता। सो गाइस वी नीड टू प्रिवेंट दैट डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, इसलिए इन्होंने नाम भी इसका इस तरीके से ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट दी हुई है, दिस इज इट। अब यहाँ पे बस मुझे किसी तरीके से ये जो दो डेटा है वो मुझे चाहिए होगा, ठीक है। सो कॉन्स्ट लॉग इन डेटा विल बी इक्वल टू, गाइस आप क्या कीजिए फिर यहाँ पे सिंपल इस तरीके से यूज़र नेम विल बी इक्वल टू योर यूज़र नेम, ठीक है। ऑलराइट, ऐसा क्यों आ जा रहा है? एंड एक कॉमा दीजिए एंड देन वी हैव अ पासवर्ड विल बी योर, बेसिकली अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो यूज़र नेम आपको दिख रहा है ध्यान से देखिएगा, ये जो यूज़र नेम है ये आपका एक की है एंड देन ये जो यूज़र नेम है उस की ये वैल्यू है। एंड इफ बोथ द की एंड देन वैल्यू आर सेम देन ECMAScript का रूल ये बोलता है नो नीड टू राइट 2 टाइम्स, अब सिर्फ एक बार लिख दो वो समझ जाएगा, ठीक है। CONST कॉन्स्ट। एंड अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ गूगल, ये आप समझ लीजिए ये वो लाइन का कोड है जिसपे मैं डेटा को हमारे बैकएंड को फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, दिस इज इट। तो कितनी ईजिली मैंने मेरा लॉगिन फॉर्म बना ली। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ विनोद एंड पासवर्ड पे THAPA लिखता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ, बूम गाइस सी मेरा बन के रेडी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड मुझे मिल गया, बैकएंड के पासवर्ड डेटा चला भी गया। तो ये है ना कितना ज़्यादा इजी। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। नाउ हियर इज अ चैलेंज, कल की वीडियो में मैं आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म बताऊंगा, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। इट जस्ट बताने के लिए ज़रूरी है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म कितनी ईजिली हम हैंडल कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया, जो दूसरा तरीका याद है स्प्रेड ऑपरेटर यूजिंग ऑब्जेक्ट, यूजिंग सिंगल यूज स्टेट वैल्यू के थ्रू आप कैसे कर सकते हो, वो आपके लिए टास्क है एंड वो अभी आपको करना होगा। एंड कल जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा उसको मैं उसी के थ्रू करके बताऊंगा। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इस तरीके से उसको डील कर सकते हो। ये एक लाइन का कोड तो कितना ज़्यादा ऑसम था, राइट। तो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। देखो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख ली, हमने लॉगिन फॉर्म देख लिया, फिर तो मुझे लगता है कि गाइस कोई भी फॉर्म आप उसको बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो इन रिएक्ट। एंड एक चीज़ समझना जरूरी है, कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।